एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी मावा की गुजिया। मावा की गुजिया बनाना बहुत ही इजी है और मैं यहां आपको पूरी प्रोसेस बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूं, तो ये लास्ट तक मेरा वीडियो जरूर देखें। यहाँ पर मैं 3 कप मैदे का यूज कर रही हूँ। आप जिस भी क्वान्टिटी में बनाना चाहें उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 कप में डाल रही हूँ चुटकी भर नमक, और इसमें 1/4 कप डालेंगे सूजी। सूजी डालने से जो हमारा डो है बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होता है और हमारी जो गुजिया है ऊपर से बहुत ही कुरकुरी और खस्ता बनती है। अब इसमें हम डालेंगे मोयन, जिससे कि हमारी जो गुजिया है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी, बिल्कुल मुँह में जाते ही घुल जाएंगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 कप ही घी, शुद्ध देसी घी। आप यहाँ ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब इसको पहले हम घी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर सिंपल कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी डाल डालकर धीरे धीरे इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। ठंडा पानी हम इसलिए ही डाल रहे हैं जिससे कि जो हमारा जो बैटर बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनेगा, और जब हम इसको हॉट ऑयल में तलेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारा जो गुजिया है क्रिस्पी बनेंगी, खस्ता बनेंगी। और अब इसको हम धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ और पानी के साथ। आप देख सकते हैं इसमें हमें सेमी सॉफ्ट बनाना है, ज़्यादा कड़क भी नहीं, ज़्यादा हमें सॉफ्ट भी नहीं आटा लगाना है, थोड़ा टाइट और थोड़ा सॉफ्ट, बिल्कुल हाफ सॉफ्ट और हाफ कड़क। और थोड़ा सा इसमें हम घी लगा कर छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल अच्छे से फूल कर रेडी हो जाएगा। फिर हमने आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हम गुजिया की फिलिंग को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, और देसी घी डालने के बाद हम डालेंगे इसमें 1 कप सूजी रवा जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और हमारी जो सूजी है वो बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर की ना हो जाए, तब तक हमें इसको अच्छे से भूनना है। और इसमें जो हम मावा यूज़ कर रहे हैं वो भी मैंने घर पर ही बनाया है, और मावा की रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही सिर्फ 2 चीज़ों से यहाँ मावा बनाकर हमने रेडी किया है, और वो भी 2 मिनट में। तो आप लोग वो रेसिपी ज़रूर देखें, क्योंकि आजकल फेस्टिवल का समय है और त्यौहार के समय पर जो मार्केट में मावा आता है वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होता है, साफ़ नहीं होता है। इसलिए घर पर ही आप बनाकर रेडी करें, कोई भी अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ बनाकर रेडी कर सकते हैं हम फिर उससे। अब देख सकते हैं आप हमारी जो सूजी है, रवा है, वो अच्छे से उसने कलर चेंज कर दिया, अच्छे से ये भुन गई है। तो इसमें हम अपने बाकी जो चीज़ें हैं वो डालेंगे। यहाँ 2 चम्मच मैंने डाल दिए फाइन चॉप्ड करे हुए काजू और बादाम, और उसको भी हम इसी में गर्म सूजी में सेक लेंगे जिससे कि वो भी अच्छे से पक जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मावा, मावा और इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं, मैं इलायची का एसेंस यूज़ करूँगी बाद में। और बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाता है इसका फिलिंग भी। और मावा डालने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए मेरा घर का शुद्ध बिल्कुल बना हुआ मावा है, इसको भी अच्छे से हम इसी के साथ में मिक्स कर देंगे। बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है इसलिए ये सॉफ्ट है। अगर आपके पास जो पहले से रखा है तो उसको पहले आप कढ़ाई में सॉफ्ट कर लें, फिर आप उसको मिक्स करें। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर। पाउडर शुगर जब भी आप ऐड करें, आपका जो बैटर है वो मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो हमारी शुगर है जो चीनी है वो पिघल जाएगी। इसीलिए गैस ऑफ कर दें और थोड़ा सा जो फिलिंग है उसको ठंडा कर लें, फिर उसके बाद हम अपने शुगर को इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इलायची का एसेंस इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 ड्रॉप, और फिर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और हमारी जो फिलिंग है बिल्कुल अब बनकर रेडी है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें विथ माई रेसिपी, बहुत ही ईजी और बहुत ही यमी बनती है ये गुजिया। अब हमारा जो आटा है बिल्कुल अब रेडी हो चुका है, तो अब इसकी हम पतली पतली छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। मैं इसे सिंपल एक ही साइज़ में नाइफ की हेल्प से काट रही हूँ, जिससे कि जो लोइयाँ हैं वो एक ही साइज़ की होंगी हमारी। अब इसको हम बिल्कुल गोल गोल कर लेंगे और एक पतली सी पूरी बेल लेंगे, और जो हमारा गुजिया का सांचा है उसमें बहुत ही आराम से उसमें लगा कर साइड्स में हम लगाएंगे पानी। पानी लगाने से हमारे जो गुजिया है वो बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं हिलती है,
बिल्कुल एक साइड से अच्छे से चिपक जाती है, और जब हम तेल में डालेंगे तो वो खुलने का डर भी इसमें नहीं रहता है। इसीलिए आप लोग भी जरूर मेरी मेथड से बनाकर देखें, बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी भी हो जाती हैं। इकट्ठी बहुत सारी आप बेल कर रख लें, और जब भी आप इकट्ठी बेल रहे हों तो जो आटा है उसको भी गीले कपड़े से ढक दें, और जो हम बनाते जा रहे हैं हमारी गुजिया उनको भी गीले कपड़े से, साफ गीले कपड़े से ढक कर रखें, जिससे कि जब हम इनको तलेंगे तो एक सूखी परत नहीं आएगी उसमें, और बहुत ही आसानी से हमारी जो गुजिया हैं वो बनकर रेडी हो जाती हैं और बहुत ही अच्छी खस्ता सिक जाती हैं। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें विथ माय रेसिपी। ये देखेंगे हमारी जो गुजिया है बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही अलग अलग तरीके के सांचे आते हैं मार्केट में, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप बना सकते हैं। और मैं आपको एक और बनाकर दिखा रही हूँ। मेरे पास 2-3 सांचे हैं, अब मैं इसमें आपको लगा कर दिखा रही हूँ। और जो भी आपके अवेलेबल हो आपके पास, अगर आपके पास कोई भी सांचा नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप सिंपल फोल्ड करें, और जो फोक होता है फोक से आप चारों साइड्स को अच्छे से कवर कर दें और दबा दें, तो आपकी जो गुजिया है उसकी बहुत अच्छी डिज़ाइन बन जाएगी और वो सील पैक भी हो जाएगी। और अगर आपके पास फोक भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथों से ही उनको सील पैक कर सकते हैं, घोट सकते हैं, जैसे पहले के ज़माने में हमारी दादियाँ नानियाँ बनाती थी, वो भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगती थी। अब आप देख सकते हैं हमारी जो गुजिया है बिल्कुल बनकर रेडी है। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई में ऑयल गरम करना है, ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और जिसमें भी आप चाहते हैं बनाना आप यूज़ कर सकते हैं। बस उसको आपको यहाँ पर बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है, ज़्यादा हमारा जो तेल है वो गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा तेल गर्म होगा तो हमारी जो गुजिया हैं वो ऊपर से बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगी और अंदर से बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, और हमें चाहिए ऊपर से बहुत ही खस्ता कुरकुरी। तो बस अब धीरे धीरे हम इनको, हमारी जो गुजिया हैं अभी हम डाल देंगे धीरे से, और जब वो नीचे से एक बार अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब हम इनको पलट देंगे। गुजिया बनाना घर में बहुत ही ईजी है, और ख़ासकर त्योहारों में तो बहुत ही स्पेशल लगते हैं ये पकवान। तो आप लोग भी जरूर बनाकर देखें विथ माय रेसिपी। हमने जो मावा है वो भी घर पर ही बनाया है, इसीलिए बहुत ही हेल्दी है हमारी रेसिपी। अब इसको हम पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, आराम से धीरे धीरे, और मैं कढ़ाई बस ऐसे ऐसे हिला रही हूँ जिससे कि ये ज़्यादा टूटेंगी नहीं, और बस चारों तरफ इसका जो तेल है ऑयल है वो पूरे में अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। आप लोग भी जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। अब एक तरफ से हो चुकी हैं तो हम एक तरफ से और फिर से इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। अब हमारे जो गुजिया हैं आप देख सकते हैं एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो आपको हम बिल्कुल हल्के हाथों से इनको पलट देंगे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई खस्ता चीज़ बनाते हैं, चाहे वो मटरी हो, कचौड़ी हो, गुजिया हो, तो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको बहुत ही आराम से धीरे धीरे फ्राई करेंगे, क्योंकि तेज फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पीनेस इसमें नहीं रहेगा। आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको आराम से फ्राई करें, थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनती है फिर। और आप लोग भी जरूर ट्राई करें, और अगर आज का ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हमारी गुजिया बन चुकी हैं तो इनको हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर। हमारी मावा की गुजिया बिल्कुल बनकर अब रेडी है, तो इस होली पर और रंग पंचमी पर जरूर बनाकर अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को खिलाएं। अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इट्स टोटली फ्री। थैंक यू।